हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सीक्रेट सक्सेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के साइंस यानी कि विज्ञान चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन। दोस्तों, अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह का प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो इस Facebook पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का पहला सवाल है, यदि एफ का मान, एफ मतलब फोकस का मान 12 सेंटीमीटर हो तो आर का मान क्या होगा। तो दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, आर बटे टू होता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर बराबर क्या होता है, आर बराबर यहाँ से टू यहाँ चल जाएगा तो टू एफ हो जाएगा, ठीक है। और एफ बराबर कितना दिया है, 12 दिया है, तो दो गुने करेंगे 12 तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ओके, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर हो तो इसका आर का वैल्यू जो है वो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एफ का मान 16 सेंटीमीटर है तो आर का मान क्या होगा। इसी तरह से निकालेंगे, आर बराबर क्या देखे, अभी आर बराबर देखे 2f, ठीक है। तो दो गुने कितना करेंगे, एफ का वैल्यू कितना है 16, तो 16 दूनी कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है यानी माइनस में होता है, या धनात्मक यानी कि प्लस में होता है, या शून्य होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, शून्य होती है, या धनात्मक होती है, या ऋणात्मक होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होती है वो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा, ऋणात्मक होती है, यानी अवतल दर्पण इस तरह से है तो इसका फोकस जो होगा इधर होगा, ठीक है। तो इधर का मतलब क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस। तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वो राइट साइड में होता है, अवतल दर्पण में फोकस दूरी जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, तो लेफ्ट साइड में मतलब माइनस होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस दर्पण में आभासी फोकस होता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण, या उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दर्पण का जो आभासी फोकस होता है वो उत्तल दर्पण में होता है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, अवतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में, या समतल दर्पण में, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो भी आभासी होता है, लेकिन अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक भी होता है और आभासी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अवतल दर्पण से प्रवर्तन के बाद किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में प्रकाश का जो किरणें होती है वो प्रवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, इसका नाम क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिसमें वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में अगर आप वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा इसी के बराबर होगा, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, है ना। यहाँ पे कोई वस्तु को रखा गया है, ठीक है, और यहाँ से एक किरण यहाँ पे खींचा गया है और प्रवर्तन के बाद जो है
फोकस से गुजरेगा और एक किरण यहाँ से यहाँ लाया गया है और इसे जो है यहाँ से परिवर्तन के बाद यहाँ पे कटा है, ठीक है। तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और वस्तु के आकार का बराबर होगा, आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अभी हमने देखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, यानी वस्तु कहाँ पे रखा होगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है और उल्टा भी बनता है, लेकिन समान आकार का प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है तथा वस्तु से बड़ा होता है, तो वस्तु कहाँ होनी चाहिए। तो दोस्तों अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब और सीधा तथा वस्तु से बड़ा तभी बनता है जब वस्तु को पी और एफ यानी फोकस और ध्रुव के बीच में रखा गया हो, यानी इसमें प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है और दो किरणें आपस में कटती हुई प्रतीत होती है, इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो कौन सा दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा या उत्तल या अवतल दर्पण होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि कौन सा दर्पण आभासी होता है, सीधा होता है तथा दर्पण में वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु से हमेशा छोटा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु मुख अक्ष पर लंबवत रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, 10 सेंटीमीटर होगा यानी वस्तु के आकार के बराबर होगा, या 20 सेंटीमीटर का होगा, या 10 सेंटीमीटर से कम होगा, या 10 सेंटीमीटर से अधिक होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 10 सेंटीमीटर के फोकस दूरी उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु मुख अक्ष पर लंबवत रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो 10 सेंटीमीटर से कम बनता है, ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किस दर्पण में बनता है, उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में या समतल दर्पण में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से बड़ा भी बनता है, कभी कभी छोटा भी बनता है, आभासी भी बनता है, कभी कभी वास्तविक भी बनता है और वस्तु के आकार का बराबर भी कभी कभी बनता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, आभासी होता है या वास्तविक होता है, या आभासी तथा वास्तविक दोनों होता है, या किसी भी प्रकार का नहीं होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी भी होता है और वास्तविक भी होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव सीधा होता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है या सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, या आभासी और सीधा होता है, या आभासी और उल्टा होता है।
तो आपको ध्यान में रखना है उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी होता है और सीधा भी होता है ना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तल दर्पण का उपयोग निम्नांकित में से किस वस्तु में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यानी पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, या गाड़ी के हेडलाइट में, या चेहरा देखने के लिए, या सूक्ष्मदर्शी में। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि गाड़ी के जो हेडलाइट में दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जो गाड़ी में लगा होता है वो साइड मिरर के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण में वस्तु कहाँ रखा गया है जिससे उसका सीधा प्रतिबिंब और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनता है वो सीधा होता है और आवर्धित होता है यानी बड़ा होता है, ठीक है। दोस्तों आई होप कि इस 20 क्वेश्चन में 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही दिए होंगे। अगर आप 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं तो आपकी तैयारी अभी ठीक ठाक है, थोड़ा सा और तैयारी बढ़ा लीजिएगा। लेकिन आप 15 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे पा रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है। आपको तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए 1-2 घंटा समय और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में समय बहुत कम बचा है। इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ साथ में थोड़ा सा रिविज़न और करना होगा, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में जा कर के अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मेरा एक ही फोकस है कि आपकी तैयारी को और मजबूत बनाना है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करके घर वापस आए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अंत करते हैं, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।